खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंडाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले सुदूर अंचल में बसे इंदावड़ी गांव क्या राजू पिता लक्ष्मण 2019 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। राजू का परिवार तब से ही उसे रिहा करवाने के लिए जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक ना तो राजू की कोई खबर आई, न ही सरकार राजू को पाकिस्तानी जेल से रिहा करवा पाई। अब उसका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। राजू के माता पिता ने गुहार लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप मेरे बेटे को लाकर मेरी झोली में डाल दीजिए। खंडवा जिले के मंदाता विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला छोटा सा ग्राम है इंदावड़ी। इंदावड़ी का रहने वाला राजू पिता लक्ष्मण सन 2019 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। राजू का पूरा परिवार इंदावड़ी में ही रहता है, जिसमें उसके माता पिता और एक विकलांग भाई का परिवार भी शामिल है। राजू के माता पिता 2019 से ही सरकारी दफ्तरों में अपने बेटे को पाकिस्तान की जेल से वापस लाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर राजू के माता पिता खंडवा पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान की जेल से वापस लाने की गुहार लगाई। दरअसल 2019 में एक खबर खूब वायरल हुई। उस वायरल खबर के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के साथ एक युवक को दिखाया जा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पकड़ा गया युवक भारतीय था। उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि वह जासूसी के इरादे से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इस युवक को पाकिस्तान की पुलिस ने डेरा गाजी खान इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक मध्य प्रदेश का निवासी होना बताया जा रहा था। उस समय जब भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस ने इस युवक की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की इंदावड़ी गाँव का रहने वाला राजू है। राजू को मां को पाकिस्तानी पुलिस के गिरफ्त में होने की जानकारी इंटेलिजेंस से मिली थी। राजू की मां बसंता बाई ने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, वह इधर उधर घूमता रहता है। वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गया उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो दो रोटी कमाकर नहीं खा सकता वह जासूसी क्या खाक करेगा। राजू पर जासूस होने का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब राजू की मां प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रही है कि उनके बेटे को वापस ला दो। राजू के पिता लक्ष्मण की गांव में 3 एकड़ जमीन है, जिसकी उपज से बमुश्किल गुजारा होता है, इसलिए उनके परिवार को मजदूरी करने जाना पड़ता है। राजू के पिता लक्ष्मण ने बताया कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े लड़के का नाम राजू है। लक्ष्मण ने बताया कि उसका बेटा पता नहीं कैसे पाकिस्तान चले गए, अब हम उसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। बेटे को पाकिस्तानी जेल में बंद हुए लगभग 3 साल हो आने आए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। राजू के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांगे कि मेरे बच्चे को पाकिस्तान की जेल से लाकर मेरी झोली में डाल दें। राजू की मां बसंता बाई ने भी प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके बेटे को पाकिस्तान की जेल से वापस लाया जाए। बसंता बाई ने कहा कि मेरा बेटा राजू दिमागी रूप से कमजोर है, वह कैसे पाकिस्तान गया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। बसंता बाई ने कहा कि प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि हमारे बेटे को सुरक्षित वापस लाकर हमें दे दिया जाए। हम 3 सालों से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग कोई पूरी नहीं कर रहा। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि एक परिवार उनसे मिला था, जिनका कहना है कि उनका बेटा पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुछ समय पहले PHPV से भी इस बारे में जानकारी मांगी गई थी, जो हमने भेज दी थी। हमारा लगातार प्रयास है कि पाकिस्तान की जेल में बंद राजू को हम किसी तरह से वापस ले आए। टीम भारती न्यूज आए हैं थाने में एसपी साहब के पास में कि हमारे बेटे की मांग करने के लिए कि हमारा बेटा पाकिस्तान में कैसा गया, क्या हुआ उसके साथ, हमारा बेटा लाइए साहब, हमारे बेटे की मांग कर रहे हैं। 3 साल हो गए, आज तक मेरे बेटे का कोई पता ठिकाना नहीं है, किसी ने खबर नहीं दी। कोई सरकारी आदमी भी हमारे घर तक नहीं, आज तक भी नहीं पहुंचा, किसी ने खबर नहीं पूछी। मालूम कैसे पड़ा था? हमारे घर पे कोई 3 आदमी आए थे, वो अंडर एज में थे, पुलिस वाले थे, पुलिस के आदमी थे साहब। उनने बोला कि ये हम लोग आए हैं, तो बोले ये तुम्हारा पता दो, ठीक क्या है राजू, तुम्हारा क्या लगता है। हमने बोला कि हमारा बेटा है, बड़ा वाला बेटा, कैसा है। तो हमने बोला कि वो पागल है साहब, तो उसके पता सब पूछ लिया, उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ मांग लिया, उनने परिचय पत्र भी मांगा। और उसके बाद में जाते समय उनने बोला कि ये लड़का आपका है,
तो हमने बोला कि हाँ चाबी लड़का हमारा है। तो बोले ये लड़का थाने में बंद है। थाने में साहब कौन से थाने में बंद है? तो बोलते हैं कि यहीं आसपास में है। तो गांव वाले उनको बोल दिया कि पाकिस्तान में लड़का चला गया है। बाद में हमको पता लगा कि पाकिस्तान कैसे पहुंचा। अभी कब तक किन किन लोगों से मिल चुके हैं आप इसके लिए, बेटे के लिए अपने? हम खंडवा में भी आते हैं, जन सुनवाई में भी हमने बहुत सारी फाइल दी। क्या मोदी जी से क्या मांग है आपकी? मोदी जी से मांग है कि हमारा बेटा हमको वापस ला के दें। जैसा भी गया सुरक्षित हमारा बेटा हमको चाहिए सर। कितनी साल से आप ये जो मांग कर रहे हैं? साल हो गए सर, आज तक कोई खबर भी नहीं मिली, किसी ने खबर नहीं दी। हमने बहुत सारी फाइलें दी हैं पर उसका कोई खबर आज तक भी नहीं मिली। तो प्रशासन के कोई लोग पहुंचे थे आपके घर? कोई पहुंचा नहीं है प्रशासन, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा हमारे घर पे आज तक भी कोई नहीं गया। हम भटकते रहते हैं। अपना नाम बताइए। नाम लक्ष्मण है साहब, मैं इंदौरी रहता हूँ। मेरा बेटा जो पाकिस्तान चले गया, राजू नाम है उसका, जो हम यही ऑफिस में आए हैं, अपने एसपी ऑफिस में आए हैं साहब हम उनकी खोज के लिए। तो हम मतलब हमको कोई साथ नहीं दे रहा सर, हम मतलब दौड़ दौड़ परेशान है। जहाँ भी जाते हैं हमको कोई सरकारी कर्मचारी साथ नहीं देता, नहीं घर तक गया साहब कोई। और उसके बाद में मतलब जो हमारे बेटे के बारे में आज 3 साल हो गए सर, हमको अभी तक नहीं फ़ोन मिल रहा सर, नहीं कोई जवाब मिल रहा सर। हम दौड़ दौड़ के परेशान, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके हम मतलब दौड़ रहे हैं सर। हमको किसी का सहारा नहीं है साहब। अच्छा। किसी का सहारा, एक बेटा लकड़ी सहारा वही था, बड़ा छोटा विकलांग है साहब, वो भी कुछ कर नहीं पाता साहब। हम जितनी मेहनत मजदूरी करते हैं उतने दौड़ते हैं साहब, हमको सारा किसी का नहीं। प्रशासन ने मदद का जो वादा किया था, क्या क्या घोषणा की थी साहब? शासन ने जो मदद का करा था साहब, तो कुछ नहीं हमको मिला अभी तक सर। मतलब वो जो बताया था उनने कि 50,000 इनको पीड़ित परिवार को दिए जाए, वो भी नहीं मिले साहब। उसके बाद में 12,000 को ही मतलब इनको पेंशन दिए जाए, वो भी नहीं मिले साहब। उसके बाद में छोटा विकलांग लड़का है, इनको मतलब कोई नौकरी 25,000 की दिए जाए साहब, वो भी उसको भी नहीं मिला साहब, वो भी घर बैठा है साहब। उसके बाद में कंट्रोल से मतलब इनको 50 किलो अनाज दिए जाए हर महीना साहब, वो भी नहीं दिया साहब अभी तक नहीं। केवल शुरू में जो मतलब आज बच्चा गया जब 30 किलो, अभी आप यहाँ क्या मांगे दादा आपकी? 30 किलो गल्ला बताया हमको दिया है साहब, कुछ नहीं दिया। क्या मांगे? हमारी यही मांग है साहब कि नरेंद्र मोदी से हमारा यही निवेदन है कि जो हमारा बच्चा जैसा भी गया हमारी झोली में डाल दीजिए साहब, हम यही कहना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। किस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारा नाम लक्ष्मण है साहब। उसमें PHQ से एक बार इसमें जानकारी मांगी गई थी जो यहाँ से भर के भेजा गया था, संभवतः हो सकता है भारत सरकार की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री ने वो जानकारी मांगी होगी PHQ से। और मैं पुनः, क्योंकि परिवार मुझसे मिला था और मैं इसको पुनः, इसमें प्रयास हम लोग अपनी साइड से पूरा प्रशासन करेगा कि हम इसको, उसके लड़के अगर वो जेल में बंद होगा वहाँ से, तो उसको हम छुड़ा के यहाँ पे उनके ला पाएँ, सुपुर्द कर पाएँ फैमिली को। Subscribe now to most exciting channel ever.